तो उत्तर प्रदेश चुनाव के रंग इस वक्त बिखरे हुए हैं, लेकिन इन रंगों को रंगीन एक शख्स ने किया हुआ है। वो शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और समाजवादी पार्टी के लिए एक मुहिम भी छेड़े हुए हैं, लेकिन भीड़ को इकट्ठा करके और लंबे वक्त तक जोड़े रखना भी अपने आप में एक चुनौती होती है। लेकिन धर्मेंद्र सोलंकी जो इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में छाए हुए हैं अपनी आवाज के जादू से, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सोलंकी साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका। धन्यवाद। नया अंदाज हर बार आपका देखने को मिलता है, इस बार क्या कुछ नया? नया उत्तर प्रदेश करने जा रहा है। बोल रहा यूपी अब की परिणाम बदलने वाला है, परिणाम बदलने वाला है। और बटन दबेगी साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है, बटन दबेगी साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। मुद्दा हमारा ये है, हमारा मैनोफेस्टो, हर पार्टी का जो अपना शपथ पत्र होता है, हमारे नेता ने कहा है रोजी रोटी सस्ती होगी राजसपा का आएगा, और यूपी की जनता ये कहती ढोंगी बाबा जाएगा, और कुर्सी होगी वही लेकिन अरे फरमान बदलने वाला है, और बटन दबेगी साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। अखिलेश यादव के सबसे फेवरेट में से एक है सोलंकी साहब, लेकिन जिस अंदाज में आप वोट मांग रहे हैं, अखिलेश भी दाद देते हैं सोलंकी साहब की, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब चुनाव के बाद इतने सपने दिखाए जा रहे हैं वो पूरे नहीं होंगे तो फिर आपसे भी जवाब मांगेगी जनता, कहेगी आप ही हमको जो है सुना सुना के बोलते थे कि अखिलेश को सत्ता मिलाओ? देखिए, इतिहास गवा रहा है, समाजवादियों ने जो कहा है वो किया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी से लेकर माननीय अखिलेश यादव जी तक हमारी पिछली 2012 से 17 सरकार रही, 5 साल के अंदर ही हमने अपने पूरे मैनोफेस्टो को पूरा कर दिया था, और दुनिया की सबसे अच्छी सड़क बनाकर उसमें जगुआर जैसे फाइटर विमान उतार करके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिखाया। बाबा जी तो केवल उद्घाटन का उद्घाटन किए, सवाल तो इनसे जनता कर रही है, और कंडीशन ये है आएगा जब नतीजा अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, इस बार और कैसे चलाई जाती है सरकार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। यूपी कह रहा है जो बेटी जलाए हैं हम उनको भगाएंगे, जो सांड को लाए हैं हम उनको हटाएंगे, यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे, यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे। क्या बात है सोलंकी साहब, बिल्कुल आप हीरो बन गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, कुछ मोदी जी के लिए अर्ज करेंगे कि नहीं? नहीं, योगी जी के लिए केवल इतना ही कहूंगा, देखिए योगी और मोदी दोनों के लिए नहीं, केवल इतना ही करूंगा कि चाहे कुछ भी तू कर लो जुगाड़, बाबा जी तुझको वापस करेंगे तेरे साण, बाबा जी तुझको वापस करेंगे, इतना ही कहूंगा। उत्तर प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार पे, रोजगार के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता किसान अपनी समस्या को लेके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आपको बहुत धन्यवाद। अच्छा एक बात सोलंकी जी, मैं बस क्योंकि वक्त आपके पास बहुत कम है, अब कहाँ से ये अंदर से फीलिंग आती है आप में इतने जबरदस्त, कैसे मतलब? नहीं देखिए, 36 साल मेरी उम्र हुई, 23 साल समाजवादी पार्टी में हो गया, मैं 13 साल का था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे कुर्ता पजामा पहनाना सिखाया, तब से लेकर आज तक केवल समाजवादी नीतियों का अध्ययन करता हूं, और अपने गीतों में मैं प्रयास करता हूं कि आम जनमानस की समस्या भी रहे, केवल गीत ना रहे, लोगों की समस्या भी रहे। और मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम साथ चले ओ परिवेश कहाँ से लाओगे, और सीएम कोई बन जाए अखिलेश कहाँ से पाओ, क्या बात है, सीएम कोई बन जाए अखिलेश कहाँ से पाओगे। अच्छा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के माध्यम से अगर उत्तर प्रदेश की जनता को कोई और संदेश देना हो, क्योंकि 10 मार्च नजदीक है। अब संदेश अपने भोजपुरी में दे रहा हूँ, 2 चरण का चुनाव बचा है, सभी मतदाताओं से और बचे हुए जनता जनार्दन से, के दही गुड़ खा के जतरा बना के अरे करे जय मतदान,
आ साइकिल निशान पर बटन दबाईगा, सुना नौजवान या किसान। सीएम बनने के बाद का भी कुछ तैयार किया आपने सोलंकी जी? अभी नहीं, ये 10 तारीख को। 10 तारीख को लेट को तैयार है? 10 तारीख को तैयार है। ट्रेलर दिखा दीजिए। नहीं, तैयार है। 10 तारीख को 2:30 बजे। अच्छा, आप इतना बेहतरीन गाते हैं, अब मेरी अर्ज पे ही पूरा कर दीजिए। चलिए, ये तो जनता की अर्ज थी, कुछ तो ट्रेलर दिखा दीजिए। नहीं, वो क्या है सिचुएशन, जब कंडीशन जब बदलाव होने ही जा रहा है, कंडीशन जब ये होगा तो अपने नेता के लिए हमारी जो भी गीतें होती हैं आम जनमानस के लिए होती है, क्यों लेने की पर्टिकुलर गीतें होंगी, उसमें जनता की समस्या, जनता की सुविधा, तो ये सब लेके आया जाएगा। अभी वो तैयार हो रही है। साथियों के लिए बनाया कुछ? अखिलेश जी के साथी पूरा रण में इस वक्त मदद कर रहे हैं, राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, कुछ उनके लिए कुछ है आपके? मैंने तो ये गाया था कि सब पायो सुभाष पा कमेल हो गइल, देखा बाबा जी का खत्म पूरा खेल हो गइल, देखा बाबा जी का खत्म, ये गाया था हमने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज वर्ल्ड इंडिया को वक्त दिया। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो ये थे सोलंकी जी, जिनका कहना ये है कि इस बार सपा की साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन अपने ही अंदाज में इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में छाए हुए हैं और अखिलेश के सबसे चहितों में से एक हैं। ऐसे ही दिलचस्प किस्से ग्राउंड जीरो से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत और मेरे सहयोगी मोहम्मद सरताज को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।